अगले साल जो कमियां थी वो सारी चीज हो गई है और नया भवन में माता रानी का होली बना रहा हूँ। अगले साल जो तकलीफ हुआ था उसको दूर कर रहा हूँ। अब ये लग जाएगा 15 दिन। आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं श्री श्री बड़ी देवी जी पूजा समिति मारूफगंज। वो मारूफगंज का जो निर्माण कार्य से लेकर विसर्जन तक की सारी बंगाली पद्धति से होती है, मतलब मूर्ति का निर्माण बंगाल के पद्धति से, बंगाल के कलाकार लोग आते हैं, कारीगर लोग आते हैं और सप्तमी से लेकर दशमी तक का पूजन जो है सब बंगाली पद्धति, चाहे नवमी का महानवमी का पूजन होता है। कि यहाँ पर तैयारियाँ और काफ़ी जोर शोर से यहाँ पर चल रही है। बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, माता रानी से मांगने के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है इस माता रानी की, जो भी सच्चे मन से मांगते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। हम तमाम दृश्यों से अवगत करवाएंगे, पूजा प्रबंधक कमेटी से, सदस्यों, अध्यक्ष से भी मैं बात करूँगा इस बार की क्या तैयारी है। देवी जी पूजा समिति, नवरात्र का समय बहुत कुछ ही दिनों का रह गया, क्या तैयारी है इस बार मारूफगंज का? इस बार नए भवन में सारे जो अगले साल जो कमियां थी वो सारी चीज़ हो गई है और नया भवन में माता रानी का विराजमान हो रहा है और मंदिर के ऊपर चूड़ा भी बन गया है इस साल, जो पंडाल भी उसी तरह से बन रहा है। हवन जहाँ होता था हर साल वहीं होगा और कतारबद्ध तरीके से सब लोग आएँ और माता रानी के नए भवन में आप लोगों का स्वागत है, आप लोग आकर माता रानी का दर्शन करें। भीड़ को किस तरह का आप हमारे वॉलंटियर हैं, भीड़ को संभालेंगे और जानते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी देवी जी है मारूफगंज देवी स्थान, यहाँ तो भीड़ लगती ही है, लेकिन हमारे वॉलंटियर बहुत सारे यहाँ हैं लोकल और उन लोग संभालते हैं और ऐसे प्रशासन की तरफ से भी लोग रहते हैं। VIP लोग का किस तरह का व्यवस्था रहेगा? VIP में नीतीश जी आ रहे हैं, तेज प्रताप जी आ रहे हैं और रविशंकर जी, नंदकिशोर यादव जी, ये लोग आते हैं हर साल दर्शन के लिए, ये लोग तो आ ही रहे हैं और गणमान्य और भी वरिष्ठ कुछ लोग आ रहे हैं। कितने दिनों का पूजन है इस बार? पूरा 10 दिन का पूजा है, एक कम से दसवीं तक। तैयारी जोर शोर से? हाँ, पूरा तैयारी जोर शोर से है। काम देखिए, पूरा काम लगा हुआ है, चारों तरफ काम लगा हुआ है, सब पेंट वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या नाम है? अतनु शाह, पूजा प्रबंधक मारूफगंज। मैं दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं के लिए मैं बतला देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष दशमी वाले दिन मैया का जिस तरह का जो प्रस्थान करना था, ट्रॉली अचानक से तकनीकी खराबी हो गई थी, लेकिन अब जो है पूर्णतः नए रूप से ट्रॉली का निर्माण कराया जा रहा है ताकि माता रानी का विसर्जन सही वक्त पर हो। यहाँ जब देखिएगा तो ट्रॉली यहाँ अभी निर्माण काल चल रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये एकदम नया। क्या सर, क्या नाम हुआ? विनोद शर्मा सर। विनोद जी, क्या बना रहे हैं अभी? मैं ट्रॉली बना रहा हूँ, अगले साल जो तकलीफ हुआ था उसको दूर कर रहा हूँ। इस बार ठीक रहेगा ना? जी हाँ सर, एकदम माता रानी का कृपा रहेगा, एकदम सही रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। और ये देखिए जो तैयारी, जो कारीगर है, हाँ जो भी डैमेज था सब निकाल के नया डाल दिया, वो देख ला दीजिए सब। चलिए, इनका कहना है कि जो भी खराबी, जो डैमेज था उसको निकाल दिया गया है, लेकिन अब जो है माता रानी सही समय पर प्रस्थान करी। यहाँ जब देखिएगा तो चाहे वो बहुत तरह के यहाँ पर है, बताइए क्या क्या नीचे के है। वो क्रैक कर गया, अगले साल डैमेज हो गया था, पुराना लोहा के कारण था, तो हमने सब 2 इंच का एंगल दे के इसको लेत पर चढ़ा के एकदम सही किया है। हाइड्रोलिक जो है एकदम इसको सही किया। इधर आइए। और दूसरी बात है, अगले साल जो हमारा स्टेयरिंग बॉक्स जो था डैमेज हो गया था पुराना होने के कारण, यहाँ भी नया किया हमने। ये देखिए, हाँ ये सब फंक्शन नया है, हो रहा है सब नया ढंग से हो रहा है, पुराना ढंग का हटा दिया हमने। संदीप तेलंग। कहाँ के रहने वाले हो? हम आंध्र प्रदेश नांदेड़। यहाँ क्या कर रहे हैं? गुंबज बना रहे? क्या गुंबज बना रहे? कब तक निर्माण हो जाएगा? अब ये लग जाएगा 15 दिन। कम फाइनल कर लेंगे। कितने कारीगर लगे हुए यहाँ? यहाँ बहुत सारे लगे हैं। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी देखिए डिजाइन बन रहा है सर। अच्छा, डिजाइन बना रहे हैं? जी सर। आंध्र प्रदेश घर हुआ है ना? जी, बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। VIP की श्रेणी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होता है। इस बार नीतीश कुमार जी आएंगे, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव
और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो स्थानीय प्रतिनिधि हो, तमाम लोग आएंगे और भक्तों के साथ में जय माता दी का गुनगाएंगे। इसलिए मैं अपडेट करवा रहा हूँ कि यहाँ पर जब देखेगा तो एक विशाल गुंबज का भी निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं जब देखिएगा तो एक बार फिर से श्री श्री बड़ी देवी जी पूजा समिति मारूगंज का भव्य रूप आप तमाम श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। SSI2 आप देखते रहिए। जय माता दी।